ओके गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं लाइक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइक ट्विंस। ठीक है, F5 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, एडोब एनिमेट ट्विंस। ठीक है, लाइक मोशन ट्विन है, मोशन ट्विन लाइक आपका लाइक ज़्यादा लाइक स्ट्रांग है कंपेरिजन टू क्लासिक ट्विन। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लाइक यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि लाइक मोशन ट्विन कितना पावरफुल है और लाइक क्लासिक ट्विन कैसा लाइक कॉम्प्लेक्स है। लाइक पुराने वर्जन में भी काम आता है। यहाँ पे मोशन ट्विन में हम लोग देखें तो काफ़ी कंट्रोल्स हैं। ठीक है, लाइक इसके कीज लेना भी बहुत इजी है। यहाँ पे चीज़ों को लाइक क्लासिक ट्यून में लाइक प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है। तो चलो एक डेमो देख लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल से अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ लाइक व्हाट वी वांट, सिंपल से वर्ड कंट्रोल लाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, स्टैंडर्ड यहाँ पे गए, सिंपल सा शेप लिया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे करना क्या है, लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ मुझे यहाँ पे चीज़ों को चाहिए। लाइक सपोज यहाँ से मैंने क्या किया, बहुत सिंपल सा पार्ट, लेयर वन है। ठीक है, लेयर वन पे मैंने यहाँ पे क्या, फाइल पे गए, इम्पोर्ट एंड स्टेज कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, आप स्टेज कोई से भी ले सकते हो। लाइक सपोज मुझे स्टेज अच्छा लग रहा है तो मैं ये भी ले सकता हूँ। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं कुछ और लूँ। यहाँ पे मैंने ये लिया तो देन ये भी मैं काम कर सकता हूँ। ये चीज़ ध्यान रखना कि लाइक थोड़ा सा चीज़ों को जब हम लोग यूज़ करें तो थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जो वाटर मार्क ना हो। ओके, तो लाइक एज सच मैंने ऐसा कुछ यूज़ किया। ओके, साइज मेरे पास है, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। रिसाइज करने का पार्ट वी नो वेरी वेल कैसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। रिसाइज हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। क्या तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चीज़ों को मैंने कुछ स्टेप से मैंने मैनेज किया जस्ट काइंड ऑफ। ठीक है, चलो ऐसा मान लेते हैं कुछ स्टेप से सेफ है हमारे पास। ठीक है, टाइमलाइन पे गए। अभी यहाँ पे क्या करना है, लाइक मैं 30 फ्रेम तक मैं चाहता हूँ। ठीक है, इंसर्ट लाइक ब्लैंक, ब्लैंक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं आया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, अंडू किया, मैंने राइट क्लिक एंड इंसर्ट की फ्रेम, तो पूरा पार्ट आ जाएगा। ओके, मेरा बिजी है, मैंने लॉक किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं बिजी डाल सकता हूँ। बट वी वॉन्ट एक सिंपल सा न्यू लेयर क्रिएट किया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं फाइल पे गए, इम्पोर्ट किया मैंने यहाँ पे, इम्पोर्ट स्टेज। ठीक है, इम्पोर्ट स्टेज में आके लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है, लाइक कोई भी चीज़ अगर मैं प्लेन लेने वाला हूँ तो प्लेन यहाँ पे देखो मेरे स्काई है एंड प्लेन है, यहाँ से मैं लार्ज एंगल कर लेता हूँ। ठीक है, प्लेन लिया मैंने यहाँ पे, प्लेन लिया PNG। आप नेट पर सर्च करोगे PNG इमेज मिल जाएगा या PNG बनाना आपको आता होगा। ठीक है, भी बहुत सिंपल सा आपको आइडिया देता हूँ। साइज थोड़ा सा मैंने छोटा किया। ओके, अभी सिंपल सा पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा पहला पार्ट है, 30 फ्रेम पे गए, इंसर्ट। अब यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने इसे उठा के यहाँ ले गया। ठीक है, ये पहला पार्ट है। अभी इसी लेयर की मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेयर लिया मैंने यहाँ पे, कॉपी लेयर कर दिया मैंने यहाँ पे, चेक करो लेयर मेरे पास आया कि नहीं आया। राइट क्लिक एंड पेस्ट करना बाकी है, पेस्ट लेयर। ठीक है, ये आ गया। अभी यहाँ पे मैंने चेक किया यहाँ पे अपने प्लेन को जो पोजिशन है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। ओके, एंड पोजिशन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे एंड पोजिशन पे आके हमने यहाँ पे सेट कर दिया। क्या तो अभी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे दो प्लेन है जिसके अंदर चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे फर्स्ट लेयर पे गया, इस पर राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, यह क्लासिक ट्विन, याद रखना लेयर टू। ठीक है, क्रिएट क्लासिक ट्विन, मैं शॉर्टकट डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी ये कन्वर्ट करता सिंबल में क्लासिक एंड ट्विन। ठीक है, अभी यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, नॉर्मली ये आपका जाना स्टार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग गए सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे गए क्रिएट मोशन ट्विन, मोशन ट्विन किया, कन्वर्ट करेगा अपने आप में। अभी देखो यहाँ पे किया, अभी यहाँ पे आया कि नहीं आया, आ रहा है मोशन ट्विन पे जाने बाद। लाइक मैंने यहाँ पे क्या क्या कर, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इसको, मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ डॉटी डॉटी लाइन आ गया क्या। ठीक है, अभी ये काम मैं यहाँ पे करके देखो, यहाँ पे मैं गया और देखो यहाँ पे पहले से की दे रखा है। ठीक है, अभी सोचो मैं यहाँ पे की ना दूँ, सपोज मैं यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे की है, की को मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी की रिमूव करने का पार्ट होता है क्या मेरे पास यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो रिमूव फ्रेम है। ओके, क्लियर की फ्रेम है, शिफ्ट F6, तो यहाँ पे चला गया। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लासिक ट्विन मेरे पास अलग है, ये मेरे पास मोशन ट्विन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मोशन ट्विन कर दिया मैंने यहाँ पे, मोशन ट्विन किया। अभी मैं एंड फ्रेम पे गया, मुझे यहाँ पे लास्ट में की फ्रेम देने की जरूरत नहीं है, मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया। क्लिक एंड ड्रैग करते हैं यहाँ पे ऑटो की ले लिया यहाँ पे।
ठीक है, क्लासिक ट्यून में क्या था कि मुझे की देना पड़ा, मैंने इसलिए मैंने आपके सामने दोनों कॉपी किया ताकि ऐसे डिफरेंस ना लगे कि क्यों कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिला कि चलो मेरे पास क्लासिक ट्यून में तो मुझे कीज देने पड़े, लेकिन मोशन ट्यून में मैं जब कन्वर्ट किया तो मुझे कीज देने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कहीं पे भी जाके मैं मैनेज करूँगा, मूव करूँगा तो यहाँ पे अपने आप की लग जाएगा। ठीक है, चलिए अभी एक बेसिक सा फंडा तो मुझे पता चला। अभी सपोज मैं अपने एनिमल्स में थोड़ा सा चेंज देता हूँ। अभी यहाँ पे कितना लाइक अगर आपको यहाँ पे देखोगे लाइक आपके पास 1 फ्रेम से 30 फ्रेम है, मैं 15 फ्रेम पे जाता हूँ। यहाँ पे पहले क्लासिक ट्यून पे आते हैं। यहाँ पे क्लासिक ट्यून को मैं नीचे करता हूँ, की आ गया। ठीक है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे की आ गया। मोशन ट्यून पे गए, यही सेम फ्रेम, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें भी मैंने मैनेज कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे भी की आ गया क्या। अभी देखो कुछ चीज, फिर अभी देखो यहाँ पे जो एनिमेशन है, यहाँ पे जो एनिमेशन दिख रहा है ये कैसे पॉइंटेड, यहाँ देख रहे हैं भाई पॉइंटेड पार्ट दिख रहा है। अब पॉइंटेड पार्ट में आपको क्या देखना है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे अपने आता हूँ मोशन ट्यून में, मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट करता हूँ, अभी से मैं दिख रहा है मैं मोशन यहाँ पे सेलेक्ट किया पे, ओके मोशन ट्यून के साथ यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ें दिख रही है मेरे पास कि भाई मुझे यहाँ पे कोई काम करना है तो मैं कैसे क्या काम करता हूँ। कीज पे गए, क्लासिक पे, यहाँ मोशन ट्यून पे गए, मोशन ट्यून पे यहाँ देखो ये पूरा पार्ट यहाँ पे मूव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं देखो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट में मैं मैनेज करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे भाई मेरे पास ये तो मैंने मैनेज किया, मेरे पास यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं क्या कि मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं सिंपल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे मैं इज इट पॉसिबल कीज ऑटोमेटिक ले रहे हैं यहाँ पे। दूसरा पार्ट यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ थीम सिंपल सा पार्ट, तो यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने के मुझे कुछ ऑप्शन भी मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे थे हम लोगों ने टूल चेंज किया, यहाँ पे शायद सिलेक्टिव टूल में यहाँ पे काम आएगा। यहाँ पे देखो एक आर से दिख रहा है आपको, यहाँ पे इससे मैं यहाँ पे देखो कर्व मेंटेन कर सकता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे मूव किया। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं प्ले करके देखूँ तो यहाँ पे देखो ये चीज़ ऐसे दिख रही है, यहाँ पे एक कर्व में जा रहा है। अभी आप यहाँ पे क्रॉस चेक करोगे आप यहाँ पे, तो क्लासिक वाले में ये कर्व लाना मुश्किल है। ठीक है, ऑप्शन है उसमें लेकिन अलग है। ठीक है, अभी देखोगे आप यहाँ पे तो चीज़ें कैसे मैनेज किए जा रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग चीज़ों को लेके अपने यहाँ पार्ट पे इसके भी हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ मैनेज कर सकते हैं कि यहाँ पे टूल्स में गए, यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे मैं हल्का सा रोटेशन, ये काम करेगा नहीं करेगा, ये देखो ऐसे भी मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे अगर हल्का सा यहाँ पे काम करना है तो मैं इस वाले पे भी जाके यहाँ पे कीज पे गए, यहाँ पे हल्का सा रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, ओके। तो आप यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ों को मतलब कैसे मैनेज कर पा रहे, ये ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया और एंड वाले पे गए। ठीक है, एंड वाले पे जाके मैंने यहाँ पे तो ऐसे यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया। ठीक है, तो अभी देखो कितना बढ़िया देखेगा यहाँ पे कंट्रोल एंड एंटर, अभी देखो कितना प्यारा कर्व्स आपका आउटपुट देखेगा कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। वो क्लासिक ट्यून में मुश्किल है क्या। ठीक है, क्लासिक इन मोशन पर हमने यहाँ पे देखा। अभी देखो मैंने लास्ट क्लास में मैंने वो भी बताया था कि भाई कैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अभी सेफ ट्विन है, सेफ ट्विन का काम क्या है, बहुत सिंपल सा फंड है, बहुत सिंपल सा एक आइडिया दे देता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट मुझे यहाँ पे चीज़ों को अगर कवर करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिक सा पार्ट सेफ मैंने लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गए फ्रेम पे, ठीक है एक सेफ मैंने यहाँ पे बनाया, राइट क्लिक किया 30 फ्रेम पे, इंसर्ट यहाँ पे ब्लैंक की फ्रेम, यहाँ आया था ना मुझे यहाँ पे एक सेफ से दूसरे सेफ में चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे ब्लैंक देना है। ठीक है, ब्लैंक पे जाकर मुझे कोई सेप दूसरा ड्रॉ करना है, लाइक सपोज पॉलीस्टार है मेरे पास यहाँ पे, कलर आपको कोई चेंज करना है कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी आप यहाँ जाके देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले बॉक्स है, यहाँ पे पॉलीस्टार है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे क्या करना है क्रिएट सेप ट्विन। सेप ट्विन का मतलब क्या है, एक सेप से दूसरे सेप में लेके जाना, डेट इज़ कॉल्ड सेप ट्विन। ठीक है, तो ये पार्ट हमारे यहाँ पे कवर हो जाता है। यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ देखो मोशन ट्विन में है, क्लासिक ट्विन में है, कैसे क्या काम करते हैं, थ्योरी मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर रखा है यहाँ पे किस टाइप से काम करते हैं। ठीक है, मोशन ट्विन वर्सेस क्लासिक ट्विन आप देख सकते हो यहाँ पे किस टाइप से काम किया हुआ है, ओके सारे पार्ट्स हैं इंस्टीट्यूट का आप देख सकते हो, ओके। और किस टाइप से हम लोग सेप में हमने काम किया, एक सेप से दूसरे सेप में कैसे जाते हैं वो भी हम लोग चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है,